सेठानी ये कांगड़ी मिली है। अच्छा हाँ, तो सेठी हाँ आप एक काम करिए कि ये आप किसी सेठ के साथ किसी सेठ के यहाँ जाकर के इसे गिरवी रख दूँ 205 रुपए में। अच्छा 200 रुपए में तो लड़का छुटा के लाना। हाँ और 5 रुपए में मैंने घर का काम चलाऊंगी, मगर तू चाल ली जाए ना 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 मनाई जाना पड़ेगा, मेरी लुगाई की जाते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आराम करो आप। तो प्रेमी सजनो अब मैं आपको वो सेब दिखाता हूँ जो तारा चंद से 2 किलो आटा लेकर के अपने पेट का गुजारा करता था, आज वो सेठ के बन गया। हाँ वो मैं हूँ सेठ जी। जय गोपाल की। जय गोपाल जी। आइए तारे आइए तारे। हाँ आपके पास ना हूँ। हाँ आइए दूर रहो नहीं तुम्हारे मजे मत बोलती है प्रेमी से रो मैं सेंट लगा रहा। सेठ जी या मेरे में तो बदबू नहीं आती और या टोटे में तो बदबू आवे। हाँ आ गया। हाँ ले। हाँ ये कांगड़ी मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। ओहो क्यों नहीं टूटी फूटी जिंदी है। हाँ इसको रख लेंगे। रख लोगे? हाँ मुझे 205 रुपए चाहिए। 205? हाँ मुनीम के। हाँ जी 205 रुपए दे दो। अच्छा जी दो लो मेरे हाथ बन दे उसके हाथ में दे। एक काम कर जाऊं? नहीं नहीं चवन्नी का ब्याज होगा। चवन्नी का ब्याज? हाँ इतना तगड़ा ब्याज या बिरादरी की शर्म है हैं? कोई जा ठोकता अठंडी ठोकता। अच्छा हाँ तो मैं जाऊं? जाइए। ठीक है सेठानी ये लो लिया है सेठ जी ये लो 5 रुपए। हाँ ये 200 रुपए मैंने रख लिए। अच्छा मैं लड़के को छुटाने के लिए जाता हूँ। सेठ जी बोलो लड़के को छुटाने के लिए जाते हो? हाँ लेकिन हाँ लड़के को तो बाद में छुटा के लाना है। जिस साधु की कृपा से ये हमारा काम बना है। अच्छा मैं उस साधु के दर्शन करने चाहती हूँ। अच्छा जिस साधु की कृपा से हमारा काम बना मैं उस साधु के दर्शन करना चाहती है। जी सेठ जी उसके पास जाऊं उसे बुला करके लाऊं? बुला करके लाओ। आवे नहीं अगर वे नाट गए ना है तो हाथ जोड़ लियो। और जब हाथ जोड़े तभी नहीं आया तो पैर पकड़ लियो। जब पैर पकड़ना तभी नहीं आया एक काम करिए। हाँ पांव पकड़ गए और मुंडा लोड़ जाइए। बैठ जा जाइए घना मरोड़िया है मगर हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मेरे पास में लेके आओ। अच्छा जाऊं? जी साधु जी आदेश आदेश आदेश। साधु जी बोलिए मेरा काम तो बन गया। आप मेरे पास किस लिए आए हो? काम तो बन गया। काम बन गया? हाँ तो जाइए। पर के बाद एक कमी रहेगी। कौन सी? मेरी सेठानी आपको बुलाती है मेरे साथ। अच्छा मेरे घर चलो। यानी आपकी सेठानी मेरे को बुलाती है? हाँ मैं आपके घर चलूं? बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि जो साधु होते हैं हैं उनके भी कुछ नियम होते हैं और जो असली साधु होता है वो अपने नियम का पक्का होता है, नियम का पालन करता है। हाँ कैसे? हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अच्छा नहीं जाओगे? कैसे कैसे? वो साधु से ये
हैं और हम पेट के पुजारी को ना घर घर मांगे खाए जाए। अच्छा ये बात मैं क्या बता दिया, बताया साधु दूर है ये साधु आ जा ये लगे ज्ञान के रगड़े चलिए।